पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर दोष सती मलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर दोष ईश्वर की विशाल रचना महामाया जिसमें समाई है कई आकाश गंगाएं लाखों तारे करोड़ों ग्रह और उनके उपग्रह जिनकी परिसीमा है अनंत से अनंत तक यानी कोई सीमा ही नहीं हर एक की निश्चित गति है निश्चित रास्ता है क्योंकि इन्हें बांधा है समय ने। ईश्वर की इसी माया का एक और रूप है जीवन और इस सारी सृष्टि की रचना की है त्रिदेव ने ब्रह्मा विष्णु और महेश ने। सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करने वाले हैं भगवान विष्णु और बुराइयों का विनाश करने वाले हैं महादेव भगवान शिव और इसी रचना का एक हिस्सा पृथ्वी हमारी धरती मां जो थी कुछ संकट में। भोलेनाथ ये पृथ्वी को क्या हुआ? पार्वती तुम स्वयं देख लो। और मां पार्वती ने देखा संकटों से घिरी धरती को जिस पर हो रहा था आक्रमण दैत्यों का दानवों का राक्षसों का असुरों का जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। धरती मां वेदना से रो रही थी
तड़प रही थी। आप कुछ कीजिए प्रभु। अभी उचित समय नहीं है। चुन के खाऊंगा, भून के खाऊंगा। अत्याचार बढ़ रहे थे, मानो दानवों का तांडव जीवन को खत्म करने पर तुला था। सत्य और शांति का बचना कठिन था। ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ गया था। पर इन सब संकटों से दूर स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में मग्न थे देवताओं के राजा इंद्र। वाह वाह पूंजी का स्थला। ठहरो, किसकी दुख भरी आवाज है ये? नारायण नारायण। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। क्या धरती पर कोई संकट आया है? पाप और अनाचार का बोझ बढ़ गया है धरती पर इंद्रदेव। अब वो कहां जा रही है? पीड़ा से मुक्ति पाने ब्रह्मदेव के पास। देवऋषि, हम भी साथ चलते हैं। हाँ चलिए। और सारे देवताओं के साथ नारद और धरती माँ पहुंची ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव, बताओ क्या बात है पुत्र? मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। क्या हुआ है धरती को? कैसा संकट आया है? असुरों ने धरती पर उत्पात मचा रखा है। सत्य कहा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। केवल निर्मिति ही मेरा कार्य है। तो फिर अब हम क्या करें प्रभु? मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए प्रभु, कृपा कीजिए। धरती, हम सब जाकर भगवान विष्णु से मिलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप लोग चिंता न करें,
वो हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। नारायण नारायण। और फिर धरती माँ को लेकर सभी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। प्रणाम प्रभु। प्रभु बताइए आपकी क्या समस्या है ब्रह्मदेव? प्रभु धरती के कष्ट केवल आप ही दूर कर सकते हैं, हमें बचाइए। प्रभु आशा लेकर आए हैं, निराश न कीजिए, धरती की रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु। तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, निश्चिंत रहो धरती। पर असुरों का विनाश कैसे होगा प्रभु? दुष्टों के विनाश के लिए मैं अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लूंगा और इस कार्य में मेरे साथ होंगे महादेव मेरी मदद के लिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। आप भी प्रभु? मैं भी इस महान कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करूंगा। पर प्रभु, विधाता की ये लीला कब और कैसे शुरू होगी? इस दैवी योजना की तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्वती। और इसी समय जंगल में बने एक आश्रम में एक महर्षि महान तप कर रहे थे। उनकी साधना की शक्ति इतनी बड़ी कि साक्षात देवलोक भी उससे प्रभावित हुए। सुंदर, अति सुंदर। अरे ये क्या, मेरा आसन क्यों हिल रहा है? ये तो चिंता की बात है। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? पता नहीं क्या है ये। अब क्या होगा? नारायण नारायण। मेरा आसन क्यों हिल रहा था देवऋषि? कोई आपका आसन छीनना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उन्हें जानता हूं इंद्रदेव। बताइए देवऋषि, कौन है वो? एक महर्षि के कठोर तप के कारण आपका आसन हिल रहा है। इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है देव। क्या है वो, शीघ्र बताइए। क्या कहा? मैं ही क्यों देवऋषि? पूंजी का स्थला इसमें क्या करेगी? हे सुंदरी सुनो। तुम्हारी चंचलता और सुंदरता से ही महर्षि का तपोभंग संभव है। तो तुम जाकर उनका तपोभंग करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। असफल मत लौटना। नारायण नारायण। और अप्सरा पूंजी कस्थला पहुंच गई महर्षि के आश्रम में और करने लगी प्रयास उनके तपोभंग का। भंग करने वाली चंचल सुंदरी, जा, मेरे श्राप से तू अगले जन्म में वानरी हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष कैसे हो सकती हो? मैंने केवल अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। हम जानते हैं तुम्हारे स्वामी ऋषियों के तप से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम्हारे अपराध का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपया मुझे दंड न दे मुनिवर। ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ मुनिवर, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, पर
पर हम उस श्राप में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। जब चाहोगी तब तुम मानवीय रूप धारण कर सकोगी। अब जाओ। नारायण नारायण। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये थी दैवी योजना की पहली कड़ी। नारायण नारायण। हाँ? इंद्रदेव, आपका आसन स्थिर हुआ? आसन तो स्थिर हो गया, पर पूंजी कस्तला का क्या? वो वापस नहीं आई, यही बात ना? जी देवऋषि। कुछ समय तक पूंजी कस्थला को भूल ही जाइए। पर अब वो है कहाँ? उसे वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी का रूप मिला है। तो क्या इसके पीछे कोई योजना है? हाँ अवश्य है देवराज। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है। पर इंद्रदेव। तो बताइए। इसी अंजनी की कोख से महादेव 11वां अवतार लेंगे। नारायण नारायण। अप्सरा पूंजी कस्थला ने धरती पर जन्म लिया अंजनी के रूप में और उसकी शादी हुई वानर राज केसरी से। ये थी दैवी योजना की दूसरी कड़ी। हे पूंजिक स्थला, हे अंजनी, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। नारायण नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या भोलेनाथ, आपके मुंह से राम नाम? इसमें आश्चर्य क्या है देवी? मेरे आराध्य का इसी रूप में अवतरित होने का समय पास आ गया है। वो क्यों? रावण ने अपने अनुचरों के साथ उत्पात मचा रखा है। धरती को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये अवतार होगा। पर कैसे? रावण तो आपका परम भक्त है स्वामी। रावण ने मेरे 11 अंशों से 10 अंशों की आराधना की है, लेकिन एक अंश की घोर उपेक्षा करता आया है। उसी 11वें अंश के रूप में मैं अवतार लूंगा। और ये होगा कैसे स्वामी? पवन देव की मदद से। पवन देव प्रकट होइए। आपने याद किया प्रभु? हाँ पवन देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप आज्ञा दीजिए महादेव। इसे आप अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक अरे ये क्या? किसने छुआ मुझे? सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन हो तुम? मैं पवन देव हूं। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा। और अब समय आ गया था मेरे यानी शिव के 11वें रूप हनुमान के जन्म का। यह सब तो एक दैवी योजना के अनुसार हो रहा था, पर मेरे पिताजी एक साधारण पिता की तरह चिंता में डूबे हुए थे कि उन्हें बेटा होगा या बेटी। किसी की नजर ना लगे।
अति सुंदर। कैसे खेल रहा है, आजा मेरा राजकुमार। शिव जी की कृपा है स्वामी। सही कहा अंजनी, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। श्री राम के भक्त बजरंग ने धरती पर जन्म ले लिया है। नारायण 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 नारायण। आजा मेरे लाल। महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? एक पंडित जी पधारे हैं महाराज। उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। पंडित जी आप अंदर आ जाइए। प्रणाम। आइए पंडित जी बैठिए। हमारे बेटे का नाम क्या रखें? केसरी महाराज, आपके बेटे की जन्म तिथि बहुत ही शुभ है। आपका बेटा चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन पैदा हुआ है। इसके जन्म के समय सूर्यदेव मेष राशि में थे, तो इस बच्चे का नाम इसलिए मेरे विचार से मारुति होना चाहिए। मारुति, वाह कितना सुंदर नाम है। और इसका भविष्य पंडित जी? बहुत अनोखा, एक महान कार्य को पूर्ण करेगा। मुझे मिल रहा था ढेर सारा प्यार, मां बहुत खुश थी, पर अब बढ़ने वाली थी उसकी चिंता, क्योंकि उसका नन्हा सा लाडला जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था। एक दिन मुझे याद है उठा और बाहर पेड़ पर देखा, एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। बस मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया और निकल पड़ा। कहाँ उड़ा जा रहा है? सूर्यदेव की ओर अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपके तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति मारुति कहाँ चला गया ये पवनदेव? आप रो मत अंजलि, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। अचानक आ पहुंचा सूर्य ग्रहण पर तुला राहु। सूर्य तुम ज्यादा चमको मत। सूर्य तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। तरबूजे मजा आया। डर कर भागा राहु इंद्रदेव के पास। बचाइए अपना सिंहासन, बड़ा भयंकर है वो आपका आसन छीन लेगा। असंभव।
उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। कौन है वो? उसका सामना करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है राहु। तरबूजा फिर से आ गया। इंद्रदेव आप भी भागो। हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। अब देखो इसकी शक्ति। वज्र की चोट से मैं बेहोश होकर गिर ही रहा था कि मेरे धर्म पिता पवन देव ने मुझे संभाला, परंतु मुझ पर हुए वार से वो क्रोधित हो उठे। अरे मारुति बेटा उठो उठो, अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, जीवन का नाश होने लगा। मैं मर रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहां तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवन देव, मैं अपराधी हूं। उठो बेटा। तुम ठीक तो हो? अरे आप धन्य है ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है, सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो, एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। तुम मुझसे और मेरे आयुधों से सदैव सुरक्षित रहोगे। और तुम कुबेर? असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा, मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान, रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। स्वामी कहाँ होगा मेरा पुत्र मारुति? लौट आएगा अंजनी। पर मेरा मन शंकित हो रहा है। पवन देव पर विश्वास रखो अंजनी। वो देखो मारुति आ गई। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। मैं आपका आभारी हूं पवन देव। Oh, hey.
हर बालक के लिए आवश्यक है उचित शिक्षा पाना, जिस ज्ञान से वो बड़ा होकर कई अच्छे कार्य कर सके। हाँ मुनिवर। तो मारुति की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? अंजनी, यदि ये शुभ कार्य मुनिवर के हाथों हो तो और अच्छा होगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा, पर क्या मुनिवर? ये क्षमता मुझ में नहीं है, ये मुझसे बड़ा विद्वान है। मुनिवर, तो कोई और गुरुकुल बताएं जहां इसे ज्ञान मिल सके। इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है। हाँ? अब इसे कौन शिक्षा देगा स्वामी? कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा अंजनी। इसका गुरुकुल तो निश्चित है अंजनी, पर कहाँ पवनदेव? स्वयं भगवान सूर्यदेव इसे ज्ञान देंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात मैं स्वयं हनुमान को उनके पास ले जाऊंगा। माँ। तुम धन्य हो पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्र ध्यान से सुनो, गुरु आज्ञा का पालन करना। हाँ माते। सुनो अंजनी, क्या मारुति तैयार है? प्रणाम पवनदेव। पवनदेव कैसे हो हनुमान बेटा? माँ। चलो हनुमान, हमें जाना होगा। मैं शीघ्र लौटूंगा। पुत्र हनुमान, आप रुक क्यों गए पवनदेव? मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है, यहाँ से आगे अकेले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ हनुमान फिर आ गए प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। आओ वत्स। गुरुदेव। बताओ क्या बात है हनुमान? माता पिता की आज्ञा से मैं ज्ञान लेने आया हूँ। परंतु क्या बात है प्रभु? मेरी ही आज्ञा के कारण ये रथ कभी रोका नहीं जा सकता। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके रथ के साथ साथ चलकर विद्या ग्रहण करूँगा। आप बोलते रहिए, आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बात ध्यान से सुनता रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। नारायण नारायण। अरे ये क्या? ब्रह्मा जी ने सारा निर्माण किया, सारी सृष्टि रची। उस महाशक्ति को मेरा प्रणाम। भगवान शिव की लीला तो अपरंपार है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। स्वागत है देव ऋषि। प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या समाचार लेकर आए हैं देव ऋषि, हमें भी बताइए। माँ पार्वती उधर अयोध्या में बालक श्री राम की लीलाओं का आनंद, और इधर हनुमान सूर्यदेव के साथ परिक्रमा कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। नारायण नारायण। हनुमान, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, मुझे वचन दो कि समय आने पर तुम सुग्रीव की सहायता करोगे। सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई, किष्किंधा में रहता है, वो मेरा ही एक अंश है। और मेरी उनसे भेंट कब होगी? वत्स, समय आते ही मैं मिलवाऊंगा। मैं सुग्रीव की सहायता का वचन देता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भवा। देखो सती, हनुमान घर लौट रहे हैं। शिक्षा समाप्त करके मैं अपने माता पिता के पास लौट आया। मुझसे मिलकर मेरे माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब शिक्षा तो पूर्ण हुई थी,
और समय आया था कार्य करने का, दुष्टों के विनाश करने का। आयुष्मान भव, उतनी ही प्यारी थी पिताजी ने बताई हुई क्या तुम्हारे कहानियां राजमहल के खंभे में भी हैं। भक्त प्रह्लाद बोला, हाँ, हिरण्यकश्यप ने गुस्से से वो खंभा तोड़ा और वहां से भगवान नरसिंह निकले, आधे आदमी आधे शेर। फिर क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, इधर मारा उधर मारा और अपने नाखूनों से उसका विनाश कर दिया। जंगल के सारे ही प्राणी मेरे मित्र थे और मित्रों की रक्षा करना तो मेरा पहला धर्म था। शिकारी इनकी जान लेगा क्या? जाओ जाकर खेलो। Yeah.
लेकिन ये मित्र धर्म निभाते हुए कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी शरारतें भी कर बैठता था। ये क्या? मेरा आसन लौटाओ। आसन लौटाओ हनुमान, हमारा आसन लौटा दो। नमो नारायण। साधु महाराज के लिए ये जगह ठीक नहीं, मैं उन्हें सही जगह लेके जाता हूँ। कैसी लगी ये जगह महाराज आपको? हे बालक, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या बात है नारद, क्या हुआ? हनुमान प्रभु। क्या हुआ हनुमान को? उन्हें श्राप दिया गया है प्रभु। किस तरह का श्राप? वो अपनी चमत्कारी शक्तियाँ भूल गए हैं प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? चिंता ना करें, समय आने पर और याद दिलाने पर शक्तियाँ अपने आप लौट आएंगी। फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? ज्ञान और भक्ति। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है पुत्र, अब समय है भक्ति पाने का, भगवान राम से मिलने का। जी गुरुदेव। हमें अयोध्या जाना होगा। बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान ने मुझे बनाया इशारों पर नाचने वाला बंदर, और वो बन गए सबको नचाने वाले मदारी। सरकार को प्रणाम कर, चल। शाबाश। कलाबाजी दिखाएगा ये, चल जा, चल चल, शाबाश। हे जमूरे, शाबाश। अरे वाह। पिताजी, मुझे वो बंदर चाहिए। तुम बंदर का क्या करोगे बेटे राम? मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पर बेटे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मंत्री जी, सुनो मदारी। जी सरकार। राजा दशरथ बुला रहे हैं। क्या बात है सरकार? वो चाहते हैं कि तुम ये बंदर राजकुमार को दे दो। पर सरकार, ये बंदर अपनी कीमत ले लो। बात ये नहीं है सरकार, मुझे लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है मदारी? राजकुमार, आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन मदारी? आप इसे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं वचन देता हूँ, पर इसे किस नाम से पुकारूं? हनुमान। हनुमान? ओ। प्रणाम। चिंता न करो अंजनी, हनुमान सुरक्षित होगा। प्रणाम पवन देव। मेरा पुत्र। दुखी मत हो, कुछ समय बाद सब समझ जाओगी। प्रणाम। खेल खेल में बहुत दिन बीत गए और प्रभु श्री राम से मेरा रिश्ता गहरा होता गया। लक्ष्मण, पकड़ो। डोर कहाँ है?
बंदर, तुम यहाँ कैसे आए? मैं देवराज इंद्र की पुत्रवधु हूँ और तुम? राम भैया, मुझे हनुमान कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ राम भैया। क्या तुम बोल नहीं सकते? मैं हनुमान हूँ, अंजनी का पुत्र, श्री राम का सेवक। माते, ये श्री राम की पतंग है, किंतु आपने ये पतंग क्यों पकड़ रखी है? मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ जिनकी पतंग इतनी ऊपर आई। अभी बताता हूँ माते। क्या हुआ हनुमान? कोई मुझे देखना चाहता है? संभव नहीं होगा। उचित समय आते ही चित्रकूट पर मिलूंगा उन्हें। प्रणाम माते। उन्होंने क्या कहा हनुमान? वे चित्रकूट में मिलेंगे उचित समय पर। तो ठीक है, ले जाओ ये पतंग। धन्यवाद माते। लक्ष्मण और तेज। अरे पतंग टूट गई। प्रभु, प्रभु श्री राम, मैं सदैव ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन गुरुवचन के लिए तुम्हें जाना ही होगा। आंसू ना बहाओ, किष्किंधा जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जो आज्ञा प्रभु। उचित समय आते ही फिर भेंट होगी हनुमान। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और फिर एक लंबे समय के बाद मैं अपनी माँ से मिला। पुत्र हनुमान। माते। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। मिला। कहाँ गया था? माते। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। श्री राम नाम का जाप करते हुए मैं बड़ा हुआ। राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम। राम
और दैवीय योजना के अनुसार मेरी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। कौन हैं आप? मैं हूँ सुग्रीव, किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई। मैं हनुमान हूँ। बचपन में सूर्यदेव ने मुझे बताया था कि समय आने पर आपसे भेंट होगी, और वो समय आ ही गया है सुग्रीव। प्रणाम। चलो हनुमान, बाली भैया आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। मुझे भी उनसे मिलकर खुशी होगी। चलिए हनुमान, किष्किंधा आपकी राह देख रही है, आइए। प्रणाम बाली। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये हनुमान है बाली, ये मेरे मित्र हैं। हनुमान, किष्किंधा में आपका स्वागत है। आप भ्राता सुग्रीव के ही नहीं, हमारे भी मित्र हैं। आइए। पर एक दिन अचानक सुग्रीव अपने भाई बाली से भागकर मेरे पास आया। हनुमान, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। वो धनुषधारी कौन है हनुमान? कहीं उन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है? पता करो हनुमान। मैं देखता हूं। प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हनुमान, किष्किंधा जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। सुग्रीव के पास चलते हैं। सुग्रीव कौन है? मेरे मित्र, वो हमारी मदद करेंगे। तो चलें। प्रभु, हमें बहुत दूर जाना है, आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए। प्रणाम। सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं और ये हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रणाम महाराज। सुग्रीव, हनुमान ने हमें तुम्हारा दुख बताया है। मेरी मदद कीजिए प्रभु। पर ये हुआ कैसे? सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि किष्किंधा में भयंकर राक्षसों ने उधम मचा कर रखा था। एक रात मायावी नाम के राक्षस ने बाली को ललकारा। बाली, हिम्मत है तो बाहर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो किष्किंधा को मेरे हवाले कर। कायर, बहरा, आज तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। हड्डी पसली तोड़ न डाली, तुम मेरा नाम नहीं है बाली। मायावी डरपोक, रुक! कायर, रुक! अब क्यों भाग रहा है? अकेले बचाइए भैया। राक्षस है या चूहा? बाली भैया, वो चूहा है, जाने दीजिए उसे बिल में। मैं अंदर जा रहा हूँ। भैया, मैं भी अंदर चलूंगा। नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर आपको कुछ, तुम यहाँ 15 दिन रुकना, अगर मैं नहीं लौटा तो समझना मैं नहीं बचा। ऐसा मत कहिए भैया। तब तुम किष्किंधा लौट कर राज्यभार संभालना। बाली का आदेश मान सुग्रीव गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया, गदाओं के टकराने का शोर भी शांत हो गया, और अचानक, ओह, ये क्या? हे भगवान, तो क्या आप बाली भैया नहीं रहे?
दुष्ट मायावी को कैद करने के लिए सुग्रीव ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और बाली के कहे अनुसार किष्किंधा में राज्यभार संभालने लगा। पर एक दिन धोखेबाज सुग्रीव, तुझे राज्य का इतना ही लालच था तो मुझसे मांग लेता। भैया, बाली भैया, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं मरा नहीं अभी तक। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने, मेरी बात तो सुनिए, मैं तुम्हें मार के ही सांस लूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इस राज्य में लौटा तो मार डालूंगा। मुझे ये सब पता नहीं था क्योंकि मैं तो खोया था राम जाप में, और तभी सुग्रीव मेरे पास आया और सारा हाल सुनाया। मैंने उसे शरण दी। इस विषय में मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। तुम्हें भी श्री राम की मदद करनी होगी। मैं वचन देता हूँ, सीता माँ को ढूंढने में मदद करूंगा। पर क्या आप, हम आपके लिए क्या करें? बाली का वध करना इतना सरल नहीं है प्रभु। क्यों, क्या कठिनाई है? जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को और दुंदुभि की अस्थियों को एक ही बाण से ढहाएगा, उसी के हाथों महाबली बाली का वध संभव है, अन्यथा कभी नहीं। प्रभु श्री राम की जय हो। अब जाओ सुग्रीव और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली बाहर आओ, मैं अपनी पत्नी और राज्य लेने आया हूँ। आ कायर, अभी दिखाता हूँ। बचाओ प्रभु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? सुग्रीव, तुम और बाली एक जैसे लगते हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये माला पहन लो। और लौट जाऊं? हाँ, लौट जाओ। जो आज्ञा। सुग्रीव फिर लौट आया, अब तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? तुमने चुप कर वार किया। तुमने अपने भाई की पत्नी और राज्य को छीन कर इससे भी बुरा काम किया बाली, तुम्हें तो दंड मिलना ही था। चिंता ना करो बहन। श्री राम, मैं तुम्हारे बेटे अंगद की रक्षा करूंगा। अपने वचन के अनुसार श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। समय बीतता गया, मौसम बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज सुग्रीव उत्सव और आनंद में अपना कर्तव्य भूल गए हैं। लक्ष्मण का संयम समाप्त होने लगा और मुझे उन्हें किष्किंधा लाना पड़ा। स्वागत है, बैठिए प्रभु। सुग्रीव, अब हम और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। मुझसे क्या भूल हुई? आपने सीता माँ को ढूंढने का वचन दिया था श्री राम को, भूल गए? हनुमान, कहिए महाराज। तुम स्वयं जाकर जंगल की सारी वानर और रीच सेना को यह संदेशा दे दो कि मैंने उन्हें तुरंत यहाँ बुलाया है। रीचों और वानरों, ध्यान से सुनो। महाराज सुग्रीव की आज्ञा है कि प्रभु श्री राम की मदद के लिए तुम तुरंत किष्किंधा पहुंचो। प्रणाम प्रभु। सारी रीच और वानर सेना आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। धन्यवाद सुग्रीव। चारों दिशाएं छान मारो, हमें सीता माँ का पता लगाना है। शक्तिशाली राजकुमार अंगद, जांबवंत, नल, नील, तुम सभी को दक्षिण दिशा में जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम अपनी असीम बहादुरी, धैर्य और अनंत शक्तियों के साथ इस सेना को राह दिखाओगे? मैं सीता मां को ढूंढने का वचन देता हूं। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान। सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी।
जाओ हनुमान और उनसे कहो कि मैं जल्द ही आऊंगा। और फिर हमने तेजी से सीता मां की खोज शुरू कर दी। राम मुनिवर, आपने माता सीता को कहीं देखा है? नहीं तो। रीछों और वानरों ने जंगल के कोने कोने में जाकर देखा, हर गांव और शहर में ढूंढा, पर मां सीता का कोई पता नहीं चला। अरे वो क्या, देवी माँ, हम माँ सीता की खोज कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगी हमारी? अवश्य, मैं तुम्हें सागर किनारे पहुँचा दूंगी जहाँ से वो राक्षस सीता को ले गया। धन्यवाद। पल भर में हम पहुँच गए समुद्र तट पर, पर रास्ता कहाँ, यहाँ तो दूर दूर तक फैला समुद्र था। लगता है हम दक्षिण तट की आखिरी सीमा तक पहुँच चुके हैं। फिर भी हमें सीता माँ का कहीं पता नहीं चला। पर हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। वाह, मुफ्त में इतना बढ़िया खाना। मैं भूख से सूख कर कांटा हो गया हूँ। तुम कौन हो? मैं संपाति हूँ। तुम्हारे ही भाई जटायु ने सीता हरण के समय उनकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे ना? क्या क्या कहा? नहीं, जटायु मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हाँ संपाति, ये सच है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूं सीता माँ कहाँ है। कहाँ है सीता माँ? वो राक्षस राजा रावण की लंका नगरी में बंदी है। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। इन सब से अलग मैं विवश बैठा था, शाप के कारण अपनी शक्तियां जो भूल चुका था कि अचानक। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है, भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। मैं विवश बैठा था क्योंकि बचपन में शरारतों के कारण मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि मैं अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊंगा, परंतु भगवान शंकर ने मुझे इसका उपाय भी बताया था। प्रणाम गुरुदेव। कि याद दिलाने पर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। चिंता ना करो, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें महान कार्य के लिए मिली हैं। इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर तुम उन शक्तियों से सभी भले कार्य कर सकते हो। हनुमान, चाहो तो मुझ पर बैठकर आराम कर लो। नहीं मैनाक, मैं पल भर भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने प्रभु का काम पूरा न कर लूं। मेरे मुंह में घुस जाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं माँ, मुझे सीता माँ को ढूंढने जाना है।
मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम जाओगे तो केवल मेरे पेट में। तो ठीक है, मैं आपके पेट में ही जाता हूँ। लो, तुम्हारी बात रख ली, अब तो जाने दो। तुम हो बहुत चतुर, मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। तुम अपने काम में अवश्य सफल होगे हनुमान। पर आगे कुछ और भी था। समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंह का उड़ते पंछियों की परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। उसने मेरी परछाई भी पकड़ ली, पर यह बात उसे बड़ी महंगी पड़ी। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी, उड़ते पंछी, झरने। मैंने चारों ओर देखा और वो मुझे सचमुच सोने की लंका ही लगी। उधर मैं सूरज देव को प्रणाम कर रहा था और वो आंख बचाकर गेंद की तरह पानी में डुबकी मार गए और रात ने टिमटिमाते तारों से भरा अपना आंचल फैला दिया। लंका में मेरा पहला सामना हुआ स्वयं लंकिनी राक्षसी से। आज मिलेगा बढ़िया खाना। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा वानर। अक्का बक्का धूम धड़क्का। माफ करना, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। तो ये है रावण का महल। दुष्ट अपनी रानी के साथ आराम से सोया है, पर माँ सीता कहाँ है? श्री राम, जय जय राम। अरे, रावण के महल में राम का नाम? श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम, 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 राम। कौन? ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप कौन हैं? मैं विभीषण हूँ। दुर्भाग्य से मैं रावण का छोटा भाई हूँ। और आप कौन हैं? मैं हनुमान, श्री राम का दूत। आप आशीर्वाद दीजिए महाराज। उठो उठो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। मुझे दुख है कि मैं सीता माँ की मदद नहीं कर पाया। चिंतित ना हो विभीषण। हाँ? बताओ मुझे, सीता माँ कहाँ है? अशोक वाटिका में। तो फिर आज्ञा दीजिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही मैंने देखा राक्षसियों से घिरी श्री राम को याद करती माँ सीता। श्री राम, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। तभी दुष्ट रावण का आगमन हुआ। सीते, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। राम। भूल जाओ राम को। उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वो अवश्य आएंगे दुष्ट राक्षस, और तुम्हें दंड भी देंगे। मुझे लंका नरेश को दंड देगा वो। मत भूलो सीता,
मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती अपना सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। ओ मेरे स्वामी राम, आप कब आएंगे? मैं अब और नहीं सह सकती। तुम लोगों में से अगर किसी ने भी सीता के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पुत्री, तुम धीरज रखो, शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माते, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। देखना पुत्री सीता, तुम्हारे पति तुम्हें लेने अवश्य आएंगे। अब तो आपका ही सहारा है। धीरे धीरे पहरा देने वाली सारी राक्षसियां सो गईं, पर सीता माँ का चेहरा दुख से मुरझाया था। मैंने सोचा यही ठीक समय है माँ सीता को श्री राम का संदेश देने का। अरे ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये कोई धारणा, कोई सपना तो नहीं? कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान, श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता ना करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। कैसे आएंगे हनुमान? ये महल तो राक्षसों से घिरा है। कहें तो इसी क्षण आपको यहाँ से उड़ा ले चलूँ माँ? नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहे तो मैं कुछ खा लूं? हाँ बेटा, जैसी इच्छा। क्या बात कर रहे हो तुम? पूरी अशोक वाटिका नष्ट हो चुकी है। किसने किया ये? वहाँ एक बंदर घुसा है महाराज, सारी वाटिका और मीनारें तोड़ डाली है। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा जांबुवली। जी महाराज। जाओ और उस वानर को यहाँ लेकर आओ। उस बंदर का सर आपके कदमों में होगा। क्षमा करें महाराज, जांबुवली युद्ध में मारे गए। क्या? वो एक मायावी बंदर है जो उड़ सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अक्षय कुमार। जी पिताजी। भयंकर असुरों की सेना ले जाकर उसे पकड़ कर लाओ। जी। आ!
महाराज, अक्षय कुमार नहीं रहे। क्या क्या कहा तुमने? अक्षय कुमार नहीं रहा? ये क्या हो गया? ओ, मेरा बहादुर बेटा, मैं उस बंदर को अपने हाथों से मारूंगा। आप कष्ट ना करें पिताजी, मैं वहां जाऊंगा। जाओ मेघनाथ, विजयी होकर लौटो। मेघनाथ एक असाधारण सेनानी था। रावण का यह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनुष चलाने में निपुण था। जय श्री राम। बचो उसे। अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसका मान रखना होगा। मैंने वही किया, जगह से नहीं हिला। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान, रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। ब्रह्मा जी के इस अस्त्र ने मुझे हानि पहुंचाने के बजाय मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। ले चलो इसे। दरबार पहुंचते ही मैंने सोच लिया कि रावण की झूठी शान को मिट्टी में मिलाऊंगा। पिताजी, ये रहा आपका बंदर। तो तू है वो उद्यमी बंदर? कौन हो तुम? मैं श्री राम का दूत हूँ हनुमान। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ सीता माँ को ढूंढने आया हूँ। क्या? दुष्ट रावण, अभी भी समय है, श्री राम से क्षमा मांग लो। अपने राज्य और परिवार को जरा भी चाहते हो तो माँ सीता को अभी इसी समय सम्मान के साथ मुक्त कर दो। तेरी ये हिम्मत तुच्छ बंदर, शिवाय नमः, सर्वनाश कर दूंगा तेरा। क्षमा करें महाराज, लंका नरेश किसी दूत को मारे ये शोभा नहीं देता। आप इसे दंड दे सकते हैं लेकिन मृत्यु नहीं। तो दंड मिलेगा, इसके पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उस पर आग लगा दो, तभी इसे सबक मिलेगा। सबक तो मिलने वाला था दुष्ट रावण को। सोचा इन मूर्खों का काम जरा कठिन बना दो। बस इतनी गठरियां, अभी मजा चखाता हूं। देखें तो सही लंका के पास कितना कपड़ा है। मंत्रियों, आपके कपड़े भी। भैया, ये कोई साधारण वानर नहीं है, मेरी आपसे विनती है इसे छोड़ दीजिए। क्या कहा, मैं इसे छोड़ दूं? इसकी गर्दन ना तोड़ दूं? सिपाहियों, आग लगाओ इसकी पूंछ को। बेटी, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी है। हे अग्नि देवता, उसकी रक्षा करो, हनुमान को आग से बचा लो। उनकी रक्षा तो अग्नि देव करेंगे, लेकिन लंका की रक्षा कौन करेगा? Come on.
ऊपर से जलती हुई लंका सचमुच सोने जैसे चमक रही थी। प्रणाम माते। माता, आपके दर्शन प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। अब जाने की आज्ञा दीजिए, प्रभु मेरी प्रतीक्षा में होंगे। हनुमान, प्रभु से कहना शीघ्र आए, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। और हनुमान, लक्ष्मण से कहना मुझे क्षमा करें, प्रभु को मेरी ये निशानी देना और कहना मुझे यहाँ से मुक्त करें। अवश्य माते, अब आज्ञा दीजिए। स्वागत है हनुमान। हनुमान, जल्दी बताओ, सीता मां से मिले? हाँ जांबुवंत। हनुमान, अब हमें शीघ्र अति शीघ्र श्री राम से जाकर मिलना चाहिए। जय श्री राम। देखिए प्रभु, हनुमान आ गए। प्रभु, आपकी कृपा से हनुमान सीता माता की खोज करने में सफल हुए। लीजिए सीता माँ की निशानी। प्रभु, माँ सीता रावण की कैद में है। हनुमान, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुम्हारे उपकार मैं नहीं भूल सकता। प्रभु श्री राम ने गले लगाया तो मेरा जीवन धन्य। भैया, अब और देर ना करो, सीधे लंका चलो। हाँ लक्ष्मण, तैयार हो सुग्रीव? हम पूरी तरह से तैयार हैं प्रभु। क्षमा करें भैया, आप हनुमान की बात मान लेते तो लंका का सर्वनाश ना होता। सर्वनाश? भैया ये गंभीर बात है, सीता को सम्मान सहित लौटाकर प्रभु राम की शरण लीजिए। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता विभीषण। भूल कर भी श्री राम को साधारण पुरुष मत समझिए। कायर, तो क्या तू मुझे साधारण पुरुष समझ रहा है? नहीं, परंतु दुनिया की कोई भी शक्ति राम के सामने नहीं टिक सकती। बहुत हो गया, यदि तू मेरा भाई ना होता तो तुझे मृत्यु दंड दिया होता। तू मेरा भाई नहीं शत्रु है, धोखेबाज। निकल जा, जाकर राम के कदमों में पड़ा रहे। हमारी सेना दक्षिण तट तक पहुंच तो गई, पर लगा सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना समुद्र पार कैसे करती? अब यहाँ से आगे सेना कैसे जाएगी? समुद्र देव से कहेंगे कि वो हमें पार जाने का रास्ता दें। प्रिय मंदोदरी। महाराज, आपकी जिद के कारण हमने अपने बेटे अक्षय कुमार को खो दिया, लंका चौपट हो गई, और अब आपने विभीषण को भी राज्य से निकाल दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीता की शादी में हुआ अपमान भूला नहीं मैं। महाराज, इतनी जिद करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं मंदोदरी, रावण का निश्चय अटल है। तट पर बैठकर प्रभु श्री राम समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे ताकि हमें रास्ता मिले, कि अचानक वो देखो हनुमान, कोई मायावी राक्षस है। नहीं सुग्रीव, ये राक्षस नहीं लगता। अरे ये तो श्री राम भक्त विभीषण है। प्रभु, मैं अपने भाई रावण की दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात मानने की बजाय उन्होंने मुझे लंका से निकाल दिया। ओ लंका नरेश, विभीषण आपकी जगह यहाँ है। धन्यवाद प्रभु। ये शोर कैसा है? कौन है ये लोग? महाराज, ये रावण के गुप्तचर हैं। इन्हें क्या दंड दें प्रभु?
इन्हें मुक्त कर दो, तुम दोनों रावण के पास जाओ और जो देखा वो सत्य उसे बताओ। प्रभु, आज 3 दिन हो चुके हैं, क्या समुद्र देव आपकी प्रार्थना सुनेंगे? लक्ष्मण, तो हमें दूसरा मार्ग अपनाना होगा। ओ विराट समुद्र, हमें राह दीजिए, अन्यथा मुझे बाण चलाना होगा। ठहरिए प्रभु, मैं यहां हूं। प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूं, मुझे अपने गहराइयों में पलने वाले प्राणियों की रक्षा करनी है, राह देने में वो नष्ट हो जाएंगे प्रभु। पर समुद्र देव, मेरी सेना पार कैसे जाएगी? आपकी सेना में 2 कुशल निर्माता हैं, नल और नील, जो पत्थरों से लंका तक का पुल बना सकते हैं, और राम नाम की महिमा से तो भारी भरकम पत्थर भी मुझ पर तैरेंगे। मैं अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग दूंगा प्रभु। ठीक है, पर अब इस बाण का क्या करे देव, ये धनुष पर चढ़ चुका है। धूम्रकल्प पहाड़ ही इस बाण की शक्ति सह पाएगा प्रभु। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर डूबने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। प्रणाम प्रभु। कहो हनुमान। पुल बन के तैयार है प्रभु। हनुमान, सेना को चलने की आज्ञा दो। रुको मत सैनिकों, आगे बढ़ते रहो। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका तट पर पापियों के नाश के लिए। प्रणाम महाराज। क्या समाचार है? राम की सेना लंका पहुंच गई है। वानरों की सेना है महाराज। वानरों की सेना? क्षमा कीजिए महाराज, जब एक अकेले वानर ने लंका का सर्वनाश कर डाला तो सोचिए पूरी सेना क्या नहीं कर सकती है। माल्यवान सावधान, तुम भी विभीषण की तरह कायर बन चुके हो। शरीर के साथ साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है, दूर हो जाओ। अपने महल में खड़े होकर रावण ने जब हमारी विशाल सेना देखी तो वो दंग रह गया, लेकिन रावण को सामने देख सुग्रीव अपना क्रोध नहीं रोक पाए। मुझे मारना है ना, आओ मारो। ले जा अपने राम के पास। सुग्रीव, तुम जैसे महान योद्धा ने ऐसा क्यों किया? ठीक है मेरे लिए किया, पर कम से कम पूछा तो होता। तुमने रावण पर वार किया अकेले, क्या सोचकर? क्षमा कीजिए प्रभु। सोचो, अगर तुम रावण वध अकेले कर पाते तो हमें इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत थी? पल भर में भावुक होकर विजय नहीं पाई जाती, जीत के लिए योजना और अनुशासन चाहिए। सेनापति, सभी प्रमुख योद्धाओं को बुलाओ। आप सबके क्या विचार हैं योद्धाओं? भैया, हमें बिना देर किए तुरंत वार करना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं। मुझे लगता है हमें रावण को अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देना ही चाहिए।
ये बहुत अच्छा विचार है, पर रावण तक मेरा संदेश कौन लेकर जाएगा? प्रभु, हमें बाली पुत्र अंगद को भेजना चाहिए, वो बातचीत और कूटनीति में माहिर है। वीर अंगद, इस काम के लिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। सफल होकर लौटना अंगद। कौन हो तुम, कहो। मैं अंगद हूँ, श्री राम का शांति संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षस देश में एक राजदूत के साथ यही व्यवहार किया जाता है। मुझे बैठने बैठने के लिए कहो। कहो जो तुम्हें कहना है। हाँ, पहले अपनी गद्दी तो बना लूं। हाँ, अब बात की जा सकती है। अब बता वानर के बच्चे। प्रभु श्री राम ने तुमसे युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है, तुम्हें आखिरी अवसर दिया जा रहा है। तुम अपनी झूठी शान छोड़कर रावण श्री राम से क्षमा मांग लो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रावण, तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट होने को है। और सुनो, अगर अपने आप को बचाना हो तो सीता माँ को मुक्त कर दो और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लो। सिपाहियों, इसे बाहर फेंक दो। ये भूचाल कैसा? मेरा वापस करो, पकड़ो इसे। धरती पर ऐसा कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ जो मेरा पांव हिला सके। अंगद का फेंका हुआ मुकुट सीधा पहुंचा हमारी ओर। ये तो रावण का मुकुट है। हनुमान, उसे यहाँ ले आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा से मैंने वो मुकुट हवा में ही पकड़ लिया और प्रभु श्री राम के पैरों पर आकर रख दिया। विभीषण, प्रभु श्री राम ने वो मुकुट सम्मान के साथ विभीषण को सौंप दिया और वहां अंगद ने रावण के दरबार में बड़े बड़े राक्षसों का अभिमान मिट्टी में मिला दिया। राक्षसों के पसीने छूट गए पर अंगद का पांव था कि टस से मस नहीं हुआ। मैं देखता हूं। अरे नहीं नहीं, मेरे पैर पर नहीं, श्री राम के पैर पर गिरना कायर। खैर छोड़ो, मूर्खों को क्या समझाना, अब सीधे रणभूमि में धूल चाटना। सीता, युद्ध छिड़ने ही वाला है। रावण ने तुम्हारे पति का शांति संदेश ठुकरा दिया है। सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे, तैयार हो? जी महाराज। लंका को चारों दिशाओं से घेर लो। नल और नील, तुम पूर्व द्वार पर रहो। जी प्रभु। अंगद, तुम दक्षिण पर रहो। जी। हनुमान, तुम पश्चिम में। सुग्रीव, तुम सेनानियों के साथ मध्य में रहोगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रहेंगे। योद्धाओं, युद्ध किसी भी घड़ी छिड़ सकता है, तुम पूर्व द्वार पर रहोगे। भोद्रा, तुम दक्षिण द्वार पर पहरा दोगे। मेघना, तुम पश्चिम द्वार पर। नारावत, तुम चारों दिशाओं पर नजर रखोगे और मैं उत्तरी द्वार पर शत्रु का नाश करूंगा। उधर स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जानते हैं देवर्षि, पृथ्वी पर भयंकर युद्ध होगा। हम सबके लिए क्या आदेश है ब्रह्मदेव? मैं चाहता हूं कि सभी देवतागण राम रावण युद्ध में श्री राम के साथ रहें, अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी सहायता करें। जो आज्ञा। अंत में विजय सत्य की होगी। नारायण नारायण। और इस तरह संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। फिर दो महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाद। व
मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाथ के वार से गिर पड़े। श्री राम भूल जाओ उसे। इस युद्ध में तुम्हारी हार होगी रावण। वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण घायल पड़ा है। देखता हूँ राम अकेला कब तक लड़ेगा। उसका भी विनाश निश्चित है और तुम्हें मेरी रानी बनना होगा। क्या हुआ हनुमान, ये क्या हुआ लक्ष्मण को? प्रभु, मेघनाथ के अस्त्र ने इन्हें बेहोश कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं मेरे भाई। लक्ष्मण, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। प्रभु, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अमृत की खोज में धरती आकाश एक कर दूंगा। लंका से सुषेण वैद्य को ले आइए हनुमान। समय बहुत ही कम था। सुषेण वैद्य को तुरंत लाने का एक ही उपाय था। प्रणाम महर्षि, मैं हनुमान। इनकी जान बचाइए महर्षि। इसकी जान बचाने के लिए सृष्टि में केवल एक ही इलाज है। बताइए वैद्य जी। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने से पहले ही इसे संजीवनी बूटी का सार अवश्य पिलाना होगा। संजीवनी कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए वैद्य जी। विशाल हिमालय के द्रोण पर्वत पर जरूर मिलेगी। परंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी बूटी रात दिन चमकती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में बहुत दूर था और समय बहुत कम। भटक न जाऊं इसलिए मैं रास्ता पूछने रुका। प्रणाम, क्या द्रोण पर्वत की यही दिशा है? मैं सही हूं? हाँ हाँ सही हो, पर रुककर पानी तो पी लो। वो रहा तलाव, आंखें बंद करके पीना। धन्यवाद। धन्यवाद हनुमान, मैं एक श्रापित नर्तकी धान्यमली हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये ऋषि नहीं, कालनेमी नाम का राक्षस है जिसे रावण ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ओ महान बानर, तुम लौट आए, आओ बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। पर पहले मुझे तुम्हारी अच्छाई का बदला तो उतारने दो। मजा आया? इसके बाद मैं तब तक नहीं रुका जब तक हिमालय के शिखरों तक नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने चमचमाता पहाड़ देखा, पर उसमें संजीवनी बूटी कौन सी थी? मुझे तो उसकी कोई पहचान नहीं थी। देखा, यहां तो सब कुछ ही चमक रहा था। पता नहीं ये हनुमान अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, जल्दी आओ हनुमान। संजीवनी लेकर मुझे जल्द से जल्द लंका तक पहुंचना था। पर मुझे क्या पता था कि मेरे हाथों में पर्वत देखकर कोई मुझे गलत समझ लेगा। क्या कोई पर्वत लेकर अयोध्या पर आक्रमण कर रहा है? ये कौन है? आ,
हे राम, राम, राम। अरे ये तो श्री राम के कोई भक्त लगते हैं। जय श्री राम। आप कौन हैं? क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूँ। कैसे हैं श्री राम, मुझे उनके बारे में बताइए। हनुमान, रावण ने माता सीता का हरण किया है और अब लंका में महायुद्ध हो रहा है। हाँ? लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। हाँ? इसीलिए मैं संजीवनी लेने हिमालय गया था। हाँ? मुझे सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना होगा। मैंने भूल से आप पर वार किया। कोई बात नहीं भरत, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, अब मैं चलूं? मुझे दुख है, मैं राम भैया के साथ नहीं हूँ। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। आप तुरंत वहां पहुंचे हनुमान। हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम। वो रहा हनुमान। अरे ये तो संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाया। वैद्य जी, मुझे संजीवनी की पहचान नहीं थी, आप स्वयं ही देख लीजिए। उठो लक्ष्मण, मेरे भाई। हनुमान की जय हो। महाराज, लक्ष्मण को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है, उसे जगाओ। कुंभकर्ण लंका का सबसे भयंकर राक्षस था। 6 महीने सोता था वो, और उठते ही लगातार खाता था अगले 6 महीने तक। किसने जगाया मुझे? मेरी नींद क्यों तोड़ी भैया? कुंभकर्ण, राम ने लंका पर आक्रमण किया है, भयंकर युद्ध चल रहा है। लेकिन क्यों? मैंने उसकी पत्नी का हरण किया है। घोर मूर्ख हो तुम, क्यों अपना विनाश चाहते हो? मेरी मानो, लौटा दो उनकी पत्नी। कुंभकर्ण, मुझे मत सिखाओ। नहीं रावण, सत्य को युद्ध में जीतना असंभव है। कुंभकर्ण, तुम कायर हो, मृत्यु से डर है तो जाओ राम के पैरों पर गिर जाओ और छोड़ दो अपने भाई को अकेले संकट में। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है, मैं अवश्य युद्ध लड़ूंगा। कैसे हो तुम विभीषण? बड़े भैया, मुझे दुख है कि हमें विपरीत पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। प्रभु राम की शरण लीजिए। कायर, तो क्या तू मुझे साधारण पुरुष समझ रहा है? तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है, निकल जा। रावण ने मेरी बात मानने के बजाय मुझे निकाल दिया। विभीषण, तुम धन्य हो जो तुम्हें राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला। भैया जाओ, अपना धर्म निभाओ। वानरों की सेना में हाहाकार मच गया, पर प्रभु श्री राम के बाणों से नहीं बच पाया कुंभकर्ण। कहो क्या समाचार है? खबर बहुत बुरी है महाराज, युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया गया है। नहीं हो सकता, ये झूठ है सेवक। नहीं नहीं महाराज, जो आपने सुना वो बिल्कुल सच है। नहीं, कुंभकर्ण मेरे भाई। दुख ना करें पिताश्री, उन दोनों को मारे बिना मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा, ये मेरा वचन है पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए मुझे।
मेघनाद गुस्से से आग बबूला था। रणभूमि में उसने आग बरसाई। उसके तीरों से हमारी सेना पर संकट आ रहे थे। गुस्से में आकर मेघनाथ ने सर्प बाणों से हमारी सेना पर आक्रमण किया। तब श्री राम ने गरुड़ राज को याद किया। हे गरुड़ देव, सहायता कीजिए। और वो हमें बचाने आ पहुंचे। चिंतित लग रहे हो विभीषण। प्रभु, मेघनाद युद्ध में अपनी जीत के लिए एक यज्ञ कर रहा है। अगर वो सफल हो गया तो हमारी सेना उससे जीत नहीं पाएगी। हमें कुछ करना होगा प्रभु। मैं उसे देख लूंगा भैया। लक्ष्मण, सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और मेघनाद का यज्ञ भंग कर दो। सफल होकर लौटना। जो आ गया भैया। ओम अग्नेह स्वाहा, इदम् अग्नेह इदम् नमः। ओम धन्वंतरे स्वाहा, इदम् धन्वंतरे नमः। ये वानर मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। जय श्री राम। चामुंडाय नमः। पाताल नरेशाय नमः। चामुंडाय नमः। पाताल नरेशाय नमः। अहिरावण का प्रणाम। पातालपुरी के राजा अहिरावण, मैं संकट में हूँ। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? इस युद्ध में मेघनाद और कुंभकर्ण सब मारे गए। इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। तुम राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर मार डालो। जो आज्ञा महाराज। उस रात मैं प्रभु की पहरेदारी कर रहा था। वो कौन है? महाराज विभीषण इतनी रात गए? मैं समुद्र के किनारे प्रार्थना के लिए गया था, वहीं मुझे देर हो गई। धन्यवाद अहिरावण, तुमने अपना वचन निभाया। प्रभु, प्रभु, हनुमान, यहाँ प्रभु राम यहाँ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई अजनबी आया था? नहीं, सिर्फ विभीषण प्रार्थना के बाद। मैं तो शाम से प्रभु के साथ था। मुझे लगता है ये अहिरावण का ही काम होगा। वो अहिरावण कहाँ और कैसे मिलेगा? अहिरावण पातालपुरी का राजा है। मैं उन्हें अवश्य छोड़ा लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। Thank you.
रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं मगरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। ये असंभव है, क्योंकि हनुमान तो पूर्ण ब्रह्मचारी है बालक। एक बार झील में नहाते समय हनुमान के शरीर से टपका पसीना एक मगरमच्छ ने निकल लिया। उसे अहिरावण की रसोई में काटा गया और उस मगरमच्छ की कोख से मैं जन्मा। जीते रहो बेटे, मैं ही हनुमान हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहां बंदी हैं? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दो सुंदर राजकुमार यहां लाए गए हैं, जिन्हें आज रात देवी कामना के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मुझे उन तक ले चलो बेटे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे स्वामी है। ये विश्वासघात होगा, प्रवेश करने के लिए आपको मुझे हराना होगा। तो फिर सामना करो। सचमुच बहादुर है मेरा पुत्र, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। जय श्री राम। कामना प्रसन्न हो, मां कामना आपका ये भक्त आपके चरणों पर अपने शत्रुओं की बलि चढ़ाता है। अपने इस अंतिम घड़ी में याद कर लो तुम दोनों अपने प्रियजनों को। मेरे प्रियजन तो यहीं पर हैं। ये प्रियजन मूर्ख बालकों, ये तुम्हारे प्रियजन नहीं, ये मेरे प्रियजन हैं। प्रणाम प्रभु। सागर करे पराजय क्रंदन का निरंतर लोक जय श्री राम। रुको हनुमान, वहां नीचे कौन है? ये मगरध्वज है मेरा पुत्र। तुम्हारा पुत्र? और वो भी इस हाल में? दुर्भाग्य से ये पातालपुरी का रक्षक है, मैंने ही इसे बांध कर रखा है। हनुमान, इसे मुक्त कर दो और पातालपुरी का राजा बना दो। Thank you.
मगर ध्वज ये मेरे प्रभु श्री राम है। धर्म से शासन करना पुत्र। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिवजी का महाभक्त था और स्वयं शिवजी ने उसे कई शक्तियां प्रदान की थी। श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेदक्षवस् जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए, अब वो स्वयं युद्ध करने गए हैं। शायद ये युद्ध का अंतिम चरण होगा। प्रभु सावधान, रावण राक्षसों की विशाल सेना लेकर आ रहा है। अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। प्रभु सावधान, रावण आ रहा है। नारायण नारायण। तो क्या समाचार है राम रावण युद्ध का? रावण मायावी रथ से युद्ध कर रहा है। और श्री राम? श्री राम, उनके पास तो कोई रथ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए अपना दिव्य शक्तिशाली रथ भेज सकते हैं। हाँ, रावण ने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मिले वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था, पर अचानक वो देखिए प्रभु। इंद्रदेव ने अपनी शुभकामनाएं और अपनी दैवी शक्तियों वाले इस रथ को भेजा है। इस पर सवार होने की कृपा कीजिए प्रभु।
मैं इंद्रदेव के उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसे निशाना बनाइए। हनुमान, तुम शिव का रूप हो, मैं तुम्हें क्यों न पहचान सका। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। की जय हो, जय श्री राम, श्री राम की जय हो, जय श्री राम। शांत हो जाओ विभीषण, हमें रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। माता सीता को रावण वध का समाचार और आपकी विजय का संदेश देना आवश्यक है प्रभु। हनुमान, तुम सीता जी से पहले भी मिले हो, इसलिए ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये तो परम सौभाग्य की बात है प्रभु। लेकिन इस समय लंका में प्रवेश करने से पहले महाराज विभीषण की आज्ञा लेना मत भूलना। जैसी आज्ञा प्रभु। आप जल्दी चाहिए हनुमान। पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मां के लिए वो छोटा ही होता है ना। मेरी चिंता से माता अंजनी की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर पवन देव ने उन्हें बताया। प्रणाम पवन देव, मेरा पुत्र हनुमान ने दुष्टों का नाश करके अपना जीवन कार्य पूर्ण किया है। प्रणाम। बड़े धूमधाम से विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। आपका स्वागत है प्रभु। राजा बनते ही विभीषण ने पहला निर्णय लिया, मैं सम्मान पूर्वक मां सीता को लंका से मुक्त करके उनके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूं। हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी जब प्रभु श्री राम मां सीता से मिलने वाले थे। महाराज विभीषण ने वस्त्र आभूषणों से सीता मां का सम्मान किया। महारानी के रूप में मां सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया, पर अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। मां सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, पर अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता मां को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। Thank you.
सोना तक पिघलाने वाली अग्नि पतिव्रता मां सीता को छू भी न सकी। श्री राम ने मां सीता को स्वीकार किया। सीते, जय श्री राम। प्रभु रावण का विनाश हुआ और राम सीता का मिलन। सच है पार्वती, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं इस देवी योजना का हिस्सा बना। अब आगे? इससे आगे भी जब जब धरती पर अत्याचार होगा, मैं अवश्य अवतार लेकर धरती की रक्षा करूंगा। तो क्या अब हनुमान का अवतार कार्य पूर्ण हुआ है प्रभु? नहीं पार्वती, हनुमान तो भक्ति के महान प्रतीक हैं, और जीवन में भक्ति है तो सब कुछ है। भक्ति सिखाने के लिए हनुमान धरती पर ही रहेगा। पर प्रभु, ये कैसे संभव है? चिरंजीव होगा हनुमान और धरती पर रहेगा अनंत काल तक। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो हनुमान? एक विनती है प्रभु। हाँ हाँ कहो। अयोध्या लौटने से पहले आप किष्किंधा वासियों को दर्शन देने की कृपा करें प्रभु। अवश्य हनुमान। हनुमान, मैं स्वयं माता अंजनी सहित सभी वीर माताओं के दर्शन करना चाहती हूँ। धन्य है किष्किंधा वासी। हनुमान, तुम्हें आगे जाकर हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल भरत को हमारे आगमन की सूचना देनी होगी। जो आज्ञा। जय श्री राम। हाँ। प्रणाम। कैसे हो भरत? प्रभु ने अपने आगमन का समाचार देने भेजा है। सच हनुमान? क्या राम भैया अयोध्या लौट रहे हैं? हाँ ये सच है। कब? शीघ्र ही। धन्यवाद हनुमान, तुम्हारे संदेश ने मेरी रक्षा की है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग देता। अपने बड़े भाई श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला था। भैया, कैसे हो मेरे प्रिय भरत? तुम्हें देखने के लिए मैं व्याकुल था। अपना राज्य संभालो भैया। बड़े भाई के प्रति ऐसा प्रेम, मेरी तो आंखें भर आईं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव, आप सबका अयोध्या में स्वागत है। सभी अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए, अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। प्रणाम प्रभु। ये लो। धन्य हुआ। पवन पुत्र हनुमान, मुझे तुम्हें कुछ देना है। कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करो। मैं धन्य हुआ माते, मां सीता ने मुझे भेंट तो दी, पर मैं सोचने लगा कि क्या इस माला में श्री राम का अस्तित्व है। मैं हर मोती की ध्यान से जांच करने लगा। हाँ? इसे देखता हूं। इसमें भी नहीं है। किसी मोती में नजर ही नहीं आ रहे। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। हाँ? ये क्या? इसमें भी नहीं है। हनुमान, इस माला का हर एक मोती एक एक राज्य के समान मूल्यवान है, और तुम इसे तोड़कर फेंक रहे हो। हे लंका नरेश,
मैं इन बोतियों में श्री राम को खोज रहा था, पर इनमें श्री राम है ही नहीं, और जिसमें प्रभु श्री राम नहीं वो तो फेंकने योग्य ही है। परंतु हनुमान, तुम्हारा अपना शरीर, क्या उसमें भी प्रभु राम की छवि है? हाँ है, आप स्वयं देख लो। राम भक्त हनुमान की जय हो। जय श्री राम। हनुमान, तुम ही राम के परम भक्त हो। हनुमान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। हाँ हनुमान, प्रभु ही तुम्हें कोई अनमोल भेंट दे पाएंगे। मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा। तो दीजिए मेरा स्थान। भविष्य में भी धरती माँ को तुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान। मैं सदैव यही रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महावज्जा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महावज्जा शौर्यवान वीर हनुमान। चेहरे से झलकती नम्रता, आंखों में शांत चित्त की छाया। निकट समय निकट जो आए, कदम वही स्मरण आ जाए। निकट समय निकट जो आए, कदम वही स्मरण आ जाए। हर विपदा वो दूर करे, संकट मोचन तभी कहलाए। विक्रमी रूप अनोखा।